माननीय हमारे पार्षद जी दशनाथ बिंजुरा जी हमारे बीच में आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में आपने इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई और तमाम शांति विहार के साथियों एक गीत जो हुआ उसमें पर्यावरण से संबंधित है गीत ये जनगीत है, जनगीत जनता के गीत, यानी मुझे भी गीत आते नहीं है लेकिन साथ में मिलके गाएंगे जैसे भजन गाते हैं ईश्वर का नाम लेते हैं ऐसी ये हमारे हमारे हक के गीत है। ये तो एक ये गीत गाएंगे पर्यावरण को लेकर के। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। बीज एक छोटा सा देखो बड़ा वृक्ष बन जाता है। बीज एक छोटा सा देखो बड़ा वृक्ष बन जाता है। फल और फूलों की सौगातें जी भर हमें लुटाता है। फल और फूलों की सौगातें जी भर हमें लुटाता है। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। मिट्टी पानी और बयार ये है जंगल के उपहार। मिट्टी पानी और बयार ये है जंगल के उपहार। सीने से चिप का के रखना कुदरत के सारे उपहार। कुदरत चिप का के रखना कुदरत के सारे उपहार। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। जब गीत इतना बुलंद हो तो उसके बाद कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा मौन रहना भी जरूरी है, क्योंकि मन ही नहीं करता कुछ कहने का। इतने ऊर्जा वाले संदेश का गीत सुनने के बाद मन कहता है इसमें अभी आज आवाज गूंजती रहे मन में। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, आपने हमें पौधे लगाने के साथ साथ जो ऊर्जा भरी है, मुझे लगता है पूरे हरेला ही नहीं पूरे साल भर तक हमें ये संदेश हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे साथ साथ चलेगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में हमारे विशिष्ट आज के अतिथि जो हैं प्रदीप कुकरेती जी हैं। प्रदीप कुकरेती जी, अपनी दो बातें कुछ आप हमें अपने मन का बताएंगे। इसमें बोलना पड़ेगा।
धन्यवाद। अब इसमें मेरे बोलने के लिए सतीश भाई ने कुछ छोड़ा नहीं है, मैं केवल इसमें एक अपील ये करना चाहता हूं कि हम कोशिश करें ये जो पंक्तियां जो आपने हमें बताई ये हमें उन स्कूलों तक ले जाएंगे, तो इनके अंदर एक मैंने जो फीलिंग अभी जो मैंने महसूस किया निश्चित रूप में ये ऊर्जा देने वाला, समझ देने वाला और उसकी गहराई को समझ देने वाली पंक्तियां थी। और मैं आज आप लोगों का विशेषकर मैं धात संस्था ने जिस प्रकार से जो एक आवाज धून घाटी से लगाई थी और मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरे प्रदेश स्तर पे वो धात संस्था ने हरेला की जो जानकारी, हम भी बचपन से पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं, घर गांव में भी लगे और यख भी लगे, लेकिन जो हरेला जो वास्तविक जो ज्ञान चाहिए वो हम तक भी नहीं चाहिए। तो इस बात के लिए सर्वप्रथम धात के लिए एक ताली तो बनती है कि उन्होंने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया और सरकार ने उस बात को समझा और बकायदा उसके जो है अवकाश दिया गया, और अवकाश इसलिए नहीं दिया कि आप घर में सो जाएं, वो पूरे जो है महीने भर तो लगाना ही है, तो हरियाली के प्रति जो संदेश दिया, अपने रीति रिवाजों को हमसे जोड़ा, किस प्रकार से हम लोग घर गांव में जिस प्रकार से जो पहाड़ के जो लोग हैं कि हमने उस अनाज का, उस भरी हुई रोटी का, उस घी का, उस मक्खन का, इस दूध का, इस भट्टे का हमारा क्या यूज है, जो सब चीजों को हमारी संस्कृति से भी रूबरू कराया और पर्यावरण को भी बैलेंस किया। तो धात संस्था ने जो जगह जगह जो वार्ड वाइज, ब्लॉक वाइज और पूरी घाटी को, क्योंकि अभी हमारी पिछले हफ्ते हॉफ के साथ जो मीटिंग हुई थी बहुत अच्छी मीटिंग हुई और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम जो बाहर जो हमारा सघन वन क्षेत्र है उसमें हम रिच हैं, लेकिन जो अर्बन जो क्षेत्र हमारा है ये निश्चित रूप में ये जो है नंबर गेम है, इसमें वोटिंग और राजनीतिक और लोगों की रहने की मजबूरी ने उन पेड़ों को घटा दिया है। उस कहीं ना कहीं उस तापमान ने एक महसूस कराया कि सामान्य आदमी कहने लगा कहां है वो जुलूस, कहां है वो रैली, कहां है वो जागरूकता, तो वो आदमी बाहर निकल के आया क्योंकि इसमें कुछ ही लोग पहले अगर किसी को लगता था ये धात वाले करते हैं क्या, ये एक महीना पूरे पेड़ लगाते रहते हैं, ये इनकी जो है रैलियां चलती रहती हैं, तो उन्होंने उस धात का जो है शाब्दिक और जो बिल्कुल मैं कहूंगा कि उसको सही तरीके से जो प्रभावित किया और वो आपका उस परीक्षा में आप पास हुए, धात उसके लिए बधाई के पात्र है। और हमारे जैसे व्यक्तित्व को आप लोगों ने जगह जगह जिस प्रकार से महत्व आप हमको दे रहे हैं तो ये मेरे लिए भी गौरव का विषय है कि मैं धात के साथ जुड़ा हुआ हूं पहले से, लेकिन ऐसे में मेरी जिम्मेदारी और बन जाती है कि हमें भी लगता है कि धात जब इतना कर रहे तो क्या हम नहीं कर सकते, तो मुझे भी मौका दिया। और सबसे बड़ी बात जो स्मृति वन आपने जो बनाया वो आपने उतनी बड़ी भूमि को अतिक्रमण से बचाया, वो सारी ऑक्सीजन शुद्ध हवा जो हमें दी वो कितनी बड़ी जो है और वो लोगों के अंदर ये बात कर गई है, तो निश्चित रूप में इसी आपकी धात की ही उससे पहल करते हुए जिस प्रकार से पुरोहित जी हैं वो भी इसी कदम में मैंने देखा है कि वो आगे इस बात को करने जा रहे हैं, वो उस पूरी उन्होंने कहा इससे पहले कि इसका अतिक्रमण हो वह हम पूरे वृक्ष लगा देंगे। तो तमाम आज यहाँ पे हमारे पार्षद महोदय और शांति विहार के तमाम जो सज्जन जो है हमारे नागरिक है, मैं उन सबका मातृशक्ति का मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद दूंगा और विशेषकर सतीश भाई का कि आपने बहुत अच्छी जिनको छूने वाली पंक्तियां कही, पुनः धात को बधाई और पूरे इन क्षेत्रवासियों को बधाई, पहले ही हरियाली थी अब हरियाली में चार चांद और लगेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुकरेती जी, आपने हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया और धात का असली मतलब ही यही है आवाज देना, धात लगाना, तो ये समाज के भीतर में जाकर के जो हरियाली की धात है उसको शांति विहार ने पिछले साल भी सुना था, इस साल भी सुना है और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले सालों में भी हम यहाँ आते रहेंगे और पेड़ लगाते रहेंगे और हम इस इलाके की और हम सब मिलकर के हरियाली को और बढ़ाते रहेंगे। और हम अब मैं आग्रह करूंगा वीरेंद्र खंडूरी जी से और हम धात देते रहेंगे जी, आप धात देते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। वैसे तो समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा ये शांति विहार के निवासियों से कि हम हर साल पेड़ लगाने पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए हैं, लेकिन हम बीच में भी आएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप एक वादा करेंगे कि जो हम पेड़ लगा रहे थे जैसे जो हर बार होता ना कि पेड़ लगाए और रहेंगे, तो हम भी साबित करेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, तो मतलब हम मैं यही मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो है जैसे हमने स्पिरिचुअल बनाया तो हमने इसलिए बनाया कि हम लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, तो ये मतलब जो है मतलब नहीं तो फिर यही जो सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें हमारे भी अंतर नहीं जाएगा, तो यही एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में हम भी आएंगे अगर आपको कोई लड़के की जरूरत हो कि जैसे कोई बुकिंग करानी है कुछ उसके लिए हम सहायता देंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में तो 100 लगाए नहीं, 10 भी नहीं बचे, यहाँ कितने लगे हैं आप देख सकते। कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाने से पहले गीत
सतीश भाई और हम लोगों का कॉलेज लाइफ का गीत था कि रात है काली चंद्रमालाओ, रात है काली चंद्रमालाओ, धरती है प्यासी प्यास बुझाओ, रहना जग में अंधेरा ऐसा तुम दीप जलाओ, रहना जग में अंधेरा ऐसा तुम दीप जलाओ, रात है काली चंद्रमालाओ। तो ये काली रात जो बिना वृक्षों के दिन में ही हमारे बीच में है, हम इसको छटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हरेला वन जो हमारा जो आंदोलन है वो अभियान है उससे जुड़े, इससे आप 100 रुपये प्रति माह की सदस्यता से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हरेला वन में किसी भी प्रकार का सहयोग 100 रुपये प्रति माह देकर के आप लोग इसी तरीके से हमारे अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने दांत को पुनः इस वर्ष भी अवसर दिया, और हम बीच बीच में आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, आप हमें इसी तरीके से सहयोग अपना स्नेह प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।